मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू फ्रूट्स एंड सीड। आज हम पढ़ेंगे फल और बीज के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं फल। जो पुष्प का जो फीमेल पार्ट होता है, स्त्री केसर उसको बोलते हैं, उसमें जो सबसे नीचे फूला हुआ भाग होता है उसको अंडाशय बोलते हैं, और अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। अंडाशय जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और जो फल बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं, जिनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती और बिना निषेचन के उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे फलों को अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इनको बोला जाता है, जैसे अंगूर और केला। अगर हम फ्रूट की बात करें, फल की बात करें, तो फल में जो है अंदर ये सीड होता है, अंदर की ओर ये एंडोकार्प होता है, बीच में मीजोकार्प होता है और बाहर की तरफ एक्सोकार्प होता है। इस प्रकार से फल की संरचना होती है। अब फल जो होते हैं उनके उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल, इसको ट्रू फ्रूट फ्रूट बोलते हैं, और दूसरा होता है असत्य फल या कूट फल या फॉल्स फ्रूट उसको बोलते हैं। सत्य फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण केवल ओवरी से होता है, जिनका अंडाशय से निर्माण होता है, उनको सत्य फल कहते हैं। मतलब अंडाशय से जब फल का निर्माण होता है तो उसको सत्य फल या वास्तविक फल या ट्रू फ्रूट बोला जाता है, जैसे आम, कद्दू और पपीता में। असत्य फल जो होते हैं, फॉल्स फ्रूट बोला जाता है ऐसे फल जिनका अंडाशय से अतिरिक्त, अंडाशय से जिनका निर्माण नहीं होता बल्कि अंडाशय से हटके किसी अन्य भाग से, जैसे पुष्पासन से, वाहेदल से, इनसे जब फल का निर्माण होता है तो उसको बोला जाता है फॉल्स फ्रूट या असत्य फल। और असत्य फल का उदाहरण है सेब और नाशपाती। अब बात करते हैं हम फलों के प्रकार। फलों को जो है सबसे पहले तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला वर्ग है सरल या एकल फल, सिंपल फ्रूट इसको बोला जाता है। दूसरा वर्ग है पुंज फल या समूह फल, एग्रीगेट फ्रूट इसको बोला जाता है। और तीसरा फल है सग्रंथिल फल या कंपोजिट फ्रूट इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले सरल या एकल फल की। जो सरल या एकल फल सिंपल फ्रूट जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं शुष्क फल, ड्राई फ्रूट्स जिसको बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं सरस फल, सकुलेंट फ्रूट, मतलब जो ड्राई नहीं होते बल्कि रसदार होते हैं। ठीक है, अब शुष्क फ्रूट जो होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको भी तीन वर्गों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं स्पॉटी फल या डिहिसेंट फ्रूट इसको बोला जाता है, दूसरे को बोलते हैं आस्पोटी फल या एकिनियल फ्रूट इसको बोला जाता है, और तीसरे होते हैं विदुर फल या साइजोकार्पिक फ्रूट इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्पॉटी फल या डिहिसेंट फ्रूट की। ये जो फल ऐसे फल होते हैं जो पकने के बाद अपने आप फट जाते हैं, जब भी पक जाते हैं तो फटने लग जाते हैं और इनके बीज जो है बिखर जाते हैं। फली वाले फल इसके अंतर्गत ज़्यादातर आते हैं, जैसे मटर इत्यादि। फॉलिकल के अंतर्गत ऑक हो गया। तो जितने भी ये ऐसे फल होते हैं जो पकने के बाद अपने आप ही सूख कर फट जाते हैं, उनको स्पॉटी फ्रूट या डिसेंट फ्रूट उनको बोला जाता है। आस्पोटी फल एकिनियल फ्रूट बोलते हैं, जो कि पकने के बाद, ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत तो आते हैं वो, लेकिन पकने के बाद फटते नहीं हैं, वैसे रह जाते हैं, जैसे एकीन हो गया, कैरियोसिस हो गया, गेहूँ, मक्का इत्यादि। इसी प्रकार से विदुर फल होते हैं, साइजोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं, ये बहुबीजी फल होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बीज पाए जाते हैं, जैसे इमली हो गया, धनिया हो गया, ये सब ड्राई फ्रूट्स के प्रकार है। दूसरा प्रकार है इसमें सरस फल या सकुलेंट फ्रूट उसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत गूदेदार फल आते हैं जिनमें गूदेदार फल भित्ति पाई जाती है, एपोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, तीन भित्तियाँ जिनमें पाई जाती है, अंतर्भित्ति, मध्य भित्ति और बाह्य भित्ति। इसके अंतर्गत आम, नारियल, टमाटर, खीरा, ये सब फ्रूट इसके अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गया सरल या एकल फल के प्रकार। दूसरा जो प्रकार है वह है पुंज फल या समूह फल, एग्रीगेट फ्रूट। ये एक ग्रुप में पाए जाते हैं, ये फल बहुत ज़्यादा फल एक साथ समूह में पाए जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया या मदार हो गया, ये बहुत सारे फल एक साथ ग्रुप में समूह में पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है सग्रंथित फल या कंपोजिट फ्रूट। ये पुष्प कर्म से तैयार होते हैं ऐसे फल,
सीधे पुष्पकर्म में जो है, जो हमने पुष्पकर्म पढ़े थे उनसे, जैसे शहतूत में कैटकिन जो पुष्पकर्म पाया जाता है उससे सीधे फल बन जाता है, कटहल हो गया, अनानास हो गया, तो ये संग्रंथित फल के प्रकार है। अब बात करते हैं आगे बीज की, जिसको सीड बोला जाता है। निषेचन के बाद बीजांड जो अंदर होता है, अंडाशय के जो अंदर होता है उसको, उससे जो है बीज का निर्माण होता है। बीज के अंदर जो है एम्ब्रियो भ्रूण पाया जाता है, जो कि बाद में अंकुरण करता है और नए पौधे को जन्म देता है। वह आवरण इसका सख्त होता है, चपटा होकर बीज के वाह कवच टेस्टा का निर्माण करता है, और अंतः कवच जो है वो अंतः कवच का निर्माण करता है, जिसको कि टेगमेंट बोला जाता है। अब आते हैं हम बीजों के प्रकार। भ्रूण कोश के आधार पर अगर हम देखें, भ्रूण कोश जो होता है वो जो जब द्वितीय केंद्रक जो है निषेचन की दोहरा निषेचन जब होता है तो उसे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो भ्रूण कोश के आधार पर हम बीज को तीन भागों में बांटते हैं। एक कहलाते हैं भ्रूण कोशी बीज, एंडोस्पर्मिक सीड जिसको बोलते हैं। जब बीज में भ्रूण परिवर्तन के दौरान जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो भ्रूण कोश का कुछ भाग उस बीज के अंदर लास्ट तक जो है बना रह जाता है, तो ऐसे बीजों को भ्रूण कोशी बीज बोला जाता है। और ये होते हैं नारियल, गेहूं, एक बीज पत्री जो बीज होते हैं उनमें जो है इस प्रकार के भ्रूण पाए जाते हैं, जिनमें कि भ्रूण पोष जो है वो लास्ट तक बचा रहता है। दूसरे होते हैं अभ्रूण पोषी बीज, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इनको बोला जाता है। इनमें जो है जो द्विबीज पत्री पौधे होते हैं उनमें जब परिपक्व हो जाते हैं, बीज बन जाते हैं जब, तो उसका जो भ्रूण पोष होता है वो भ्रूण पोष जो है वो समाप्त हो जाता है। जब भ्रूण पोष जब समाप्त हो जाता है तो वो जो है ऐसे बीज जो होते हैं वो अभ्रूण पोषी बीज कहलाते हैं, जैसे चना, मटर, सेम इत्यादि जो है उनमें बीज, जब बीज का निर्माण हो जाता है तो भ्रूण पोष समाप्त हो जाता है। तीसरा होता है परिभ्रूणपोषी बीज या पेरी स्पर्मिक सीड इनको बोलते हैं। इस प्रकार के बीज में बीजांड जो होता है ओव्यूल का बीजांड का है, जो न्यूसिलस जिसको बोलते हैं, पतली झिल्ली के रूप में उसके अंदर शेष रह जाता है, लास्ट तक जो है वो बना रह जाता है, जैसे काली मिर्च हो गया, ये कहलाते हैं तीन प्रकार के। अब अगर बीज पत्र के आधार पर हम बांटें, जो बीज पत्र पाए जाते हैं उसमें कोटिलेडन्स, उस आधार पर दो प्रकार के बीज पाए जाते हैं, एक बीज पत्री बीज और द्विबीज पत्री बीज। जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं गेहूं, धान इत्यादि, इनमें एक बीज पत्री बीज पाए जाते हैं, और जो द्विबीज पत्री पौधे होते हैं चना, मटर इत्यादि जो है उनमें द्विबीज पत्री बीज पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम द्विबीज पत्री बीज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन सीड। इसमें जो है ये द्विबीज पत्री बीज है ये वाला, इसके जो भाग होते हैं तीन भाग होते हैं, ठीक है। इसमें जो है सबसे जो बाहर का जो छिलका होता है उस छिलके को बोला जाता है सीड कोट या बीज कवच, बीज कवच इसको बोलते हैं। ये बाहर से अगर हम चने का बीज पानी में भिगा दें तो उसका हम छिलका बाहर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इसमें भ्रूण, अंदर की ओर जो है सबसे अंदर जो है एक एम्ब्रियो इसमें पाया जाता है, जिससे कि बाद में अंकुरण होता है और जड़ और तने का निर्माण जिससे बाद में होता है, उसको टेस्टा या टेगमेंट उसको बोलते हैं, उसके अंदर जो है वो पाया जाता है। और तीसरा होता है इसमें भ्रूण पोष, भ्रूण पोष जो है एंडोस्पर्म कहलाता है, और इसमें जो है ये एक बीज पत्रियों में बीजों में ये पाया जाता है, और इसका काम होता है भ्रूण का पोषण करना। अगर हम बीज की बात करें, अगर हम चने के बीज को भिगाएं और उसके बाद उसको कुछ दिन बाद देखें तो उसके दो बीज पत्र इस प्रकार से खुल जाते हैं, दो बीज पत्र अलग अलग हो जाते हैं। ऊपरी जो भाग होता है उसको प्रारंभकुर बोलते हैं, प्लूम्यूल बोलते हैं, जिससे कि तना बनता है, और निचला जो भाग होता है जो भ्रूण से जिसका निर्माण होता है वो मूलांकुर या रेडिकल होता है, जिससे कि जड़ का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो है ये एक द्विबीजपत्री बीज। अब एक बीजपत्री बीज की बात करते हैं, एक बीजपत्री बीज की संरचना जो होती है इसमें भी जो है बाहर की ओर बीज कवच पाया जाता है, सीड कोट जिसको कहते हैं, और बीच में इसमें भ्रूण एंडोस्पर्म, ये वाला पार्ट जो है एंडोस्पर्म इसमें कहलाता है। अब इसमें जो है भ्रूण पोष भी बना रहता है लास्ट तक, जो है एक बीज पत्री में भ्रूण पोष बना रहता है। अगर हम इसकी आंतरिक काट काटें एक बीज पत्री बीज की, तो इस प्रकार से हमें दिखाया जाता है ये प्लूम्यूल है, जिससे कि अंकुरण होकर बाद में
प्रारंभ तना बनता है और ये रेडिकल है जिससे कि जड़ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये इसका एंडोस्पर्म है, ये इसका सीड कोट है बाहर का, इस प्रकार से ये एक बीजपत्री बीज का निर्माण होता है। अब कल हम पढ़ेंगे पुष्प का जो डायग्राम होता है या पुष्प का जो संरचना होती है उसका फ्लोरल डायग्राम और उसका सूत्र होता है एक, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक यू।